कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के कांदिवली में कांग्रेस द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। यह आयोजन कांदिवली के ठाकुर विलेज रोड नंबर 2 गंगा हॉल में किया गया था। यह आयोजन रविवार 16 मई को वार्ड नंबर 26 के अध्यक्ष सुभाष यादव, मुंबई सचिव इंदु प्रकाश तिवारी और अन्य कई मुंबई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। मार्च जो कोरोना चालू हुआ, कांग्रेस वालों ने और हमारे नेताओं ने इस चीज को भाप लिया था कि आने वाली परिस्थिति कैसी रहेगी, और इस चीज को हमारे अध्यक्ष और हमारे खास करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही बोल रही थी कि आप इससे सतर्क रहिए क्योंकि आने वाला समय सही नहीं है। यंगस्टर ज्यादा है और उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उस लेवल तक भी आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोविड का जो माहौल है उस माहौल के अंदर ऐसा सूचित किया है कि जो जिन्होंने ये लिया है, इंसुलिन लिया है, कोविड का जो लस लिया है, उनको एक 28 दिन का पीरियड दिया है कि 28 दिन तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने आके कैंप का जायजा लिया। 7 तारीख को हमने ऐलान किया, हम 10,000 यूनिट मुंबई से इकट्ठा करेंगे और 11 अप्रैल जो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है उस दिन हमने शुरू किया कि जिनको सरकार करके करना है वो तो कर नहीं रहे। हमने सिर्फ ऐलान नहीं किया, आज तक हमने 6,000 यूनिट ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया और वो सारा गवर्नमेंट जितनी भी ब्लड बैंक है उनको हमने किया। भाई जगताप के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत भी रक्तदान शिविर में मौजूद थे। मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी ने जो आदेश दिया है कि ऐसे कोरोना के संकट में जो ब्लड की बहुत जरूरी है, तो इसे वक्त में ब्लड डोनेशन कैंप पूरे मुंबई में हर एक ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर किए जाए, तो कार्यकर्ता पूरी तरह से इस आदेश के तहत जुड़ गए हैं और लगातार जो कैंप हो रहे हैं जनता का भी बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। आयोजकों के मुताबिक रक्तदान करने के लिए सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। ज्यादातर युवाओं ने डोनेशन में हिस्सा लिया और इनका लक्ष्य 100 बॉटल रक्त एक दिन में जमा करने का है, जो कि 12 बजे तक 55 बॉटल तक पहुंच गया था। साथ ही कैंप में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैमरा पर्सन अर्जुन विश्वकर्मा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।